फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टाइम स्टैम्प क्या होता है और यह कैसे काम करता है और इसे लगाने के क्या फायदे होते हैं और आप इसे कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अधिकांश जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं उन्हें शायद यह नहीं पता होता है कि टाइम स्टैम्प क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि टाइम स्टैम्प एक ऐसा तरीका होता है जो यूजर्स को यह सुविधा देता है कि लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार YouTube वीडियोस के किसी भी पार्ट को आसानी से देख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको वीडियोस के चैप्टर दिखाई देते हैं और एक टाइम के साथ टॉपिक्स के नाम भी लिखे होते हैं, जिससे आपको आसानी होती है यह पता करने में कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि टाइम स्टैम्प क्या होता है। एंड यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड घंटी के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प को यूज करना आपकी वीडियो के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है, तो चलिए जानते हैं। जैसे कि टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करने से आपके व्यूअर का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। टाइम स्टैम्प का यूज करने से आपके व्यूअर को यह जानने में आसानी होती है कि आपकी वीडियो में किन किन टॉपिक्स को कवर किया गया है। टाइम स्टैम्प का यूज करने से आपका डिस्क्रिप्शन काफी अट्रैक्टिव लगने लगता है, जो व्यूअर को काफी अट्रैक्ट करता है। टाइम स्टैम्प के इस्तेमाल से लोग अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक्स को आसानी से देख पाते हैं, जिससे लोग आपकी वीडियो को अधिक पसंद करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि टाइम स्टैम्प को आप अपनी वीडियो में कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, टाइम स्टैम्प को वीडियो में लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल के YouTube स्टूडियो में जाना होगा, जिसके बाद आपको अपने कंटेंट में जाना होगा और आपको इसमें से जिस भी वीडियो में टाइम स्टैम्प को लगाना हो आपको उस वीडियो को ओपन करके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन टॉपिक्स को लिखना होता है और वो भी एक टाइम के साथ जो आपने अपनी वीडियो में एक फिक्स टाइम में बताया हो। जैसे कि आपने अपनी वीडियो में एक मिनट से लेकर दो मिनट तक जिस टॉपिक्स के बारे में बताया है तो उस टॉपिक्स के साथ टाइम को लिखना होता है और ये हो जाने के बाद आपको सेव करना होता है। सेव हो जाने के बाद जब आप अपने YouTube वीडियो को रिफ्रेश करके ओपन करेंगे तो आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे कि वीडियो में चैप्टर लग चुके होंगे और आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको टाइम स्टैम्प से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड बेल के साथ सब्सक्राइब जरूर करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।